वेलकम टू अल्फाबीटा। माय नेम इज अमर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और सुनने में काफी अच्छा लगता है। पहला वर्ड है हमारा बी यूज टू, इसका हिंदी मीनिंग होता है आदत का होना। नेक्स्ट गेट यूज टू, इसका मतलब होता है आदि हो जाना, समय के साथ आदि हो जाना, राइट। पहले मैं इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा, फिर इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा, फिर दोनों में फर्क भी देखेंगे, राइट। फर्क तो खैर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा जैसे ही मैं लेसन पढ़ाऊंगा, राइट। शुरू करते हैं। बी यूज टू का मतलब होता है किसी चीज का आदि होना, अभ्यस्त होना, जिसके बिना जिया ना जा सके। वह शराब पीने का आदि है, भाई बहुत शराब पीता है, उसे शराब पीना पसंद है और वो उसकी आदत है। वह शराब पीने का आदि है, ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। गाइस रूल क्या कहता है कि हमें बी यूज टू के बाद हमेशा नाउन सप्लाई करना है, ध्यान देना है नाउन। और हमने पढ़ा है कि जीरण भी नाउन का ही पार्ट होता है, यानी कि हम उसको नाउन कह सकते हैं, जीरण को नाउन कह सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, ड्रिंक। ड्रिंक होते हैं हमारी वर्ब प्लस उसमें आईएनजी लगा के हमने उसको क्या बनाया है, नाउन, राइट। शराब पीना हमारी वर्ब होती है, ड्रिंकिंग हमने लगा दिया वो नाउन हो गया, जीरण हो गया। मैं चाय पीने का आदी हूं, पर मुझे चाय बहुत पसंद है, राइट, मुझे उसकी लत है। आई एम used to drinking tea, right? ज्यादातर लोग taking tea बोलते हैं, दोनों ठीक है, गलत नहीं है। Next sentence, वह बच्चों का आदि नहीं है। यहाँ पर बताना चाहता है कि बस उसको बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, वो familiar नहीं है बच्चों के साथ, comfortable नहीं होता है। He is not used to children, right? देखो अब मैंने noun का इस्तेमाल किया है, जब हमारे पास डायरेक्ट नाउन आ गया तो हमें इस तरह के नाउन के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है आपको दिमाग में कि हमेशा यूज टू के बाद हमें नाउन सप्लाई करना है। नाउन यानी कि या तो प्रॉपर नाउन की तरह हो या फिर हमारा जीरंड हो, राइट। प्रॉपर नाउन का मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन की, राइट। प्रॉपर नाउन का मतलब वो नाउन मत समझना जो नाम वगैरह होता है, राइट। हमें बड़े शहर की आदत नहीं है, भाई हम आदि नहीं है, हम छोटे शहर में ठीक लगते थे, हमें बड़े शहर की आदत नहीं है। We are not used to living in city, right? वह अकेले रहना चाहता है, भाई उसे अकेले रहने की आदत है, पसंद करता है, right? या उसे आदत पड़ गई है, वह अकेले रहना चाहता है। He is used to, आदत पड़ गई है किसकी, living alone, right? ये तो हो गया कि प्रॉपर आदत है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आदत पड़ रही है या पड़ जाएगी, राइट। गेट यूज टू का मतलब होता है आदत का हो जाना। मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी पर मुझे आदत पड़ जाएगी। इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे दाढ़ी रखनी पड़ी ताकि मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकूं। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी, अभी तक मैंने नहीं रखी थी पर मुझे आदत पड़ जाएगी, इसका मतलब अब मैंने दाढ़ी रखनी शुरू करी है, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी, राइट। प्रॉपरली पड़ जाएगी, अभी ऐसा नहीं है कि मैं इसका अभ्यस्त हूं, आदि हूं, नहीं, आदत हो जाएगी, राइट, पड़ने वाली है, नॉर्मल हो रहा है प्रोसेस हमारा। मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी इसके लिए मैं नेवर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी तक मैंने नहीं रखी है। आई नेवर वोर अ बियर्ड, पर मुझे आदत पड़ जाएगी, बट आई गेट used to it, right? Next, आपको यहां के मौसम की आदत पड़ जाएगी, यानी कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। You will get used to this climate, right? उसे मेरे गुस्से की आदत हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा कि मुझे कितना गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, right? उसे मेरे गुस्से की आदत हो जाएगी। He will get used to my temper, ये anger, that is up to you. मुझे इस ठंडे मौसम की आदत हो गई है, यानी कि अब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ चुकी है, तो वो बोलेगा I have got used to this cold वेदर, राइट। तुम्हें यहां रहने की आदत हो जाएगी। आप एक ऐसी जगह पे गए हो जहां पर
ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आपका फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी मतलब बता रहा है कि आदत हो जाएगी, तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू लिविंग हेयर, यू विल गेट यूज टू लिविंग हेयर। यहाँ पर फिर से हमने जीरन का इस्तेमाल किया, यानी कि नाउन का इस्तेमाल किया है। ये तो चैप्टर हमारा बी यूज टू का, जहां पर हमने बात करी कि हमें किसी चीज की आदत है, यहां पर हमने बात करी कि वो आदत पड़ जाएगी या धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, राइट। तो आपको इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में फर्क पता लग गया होगा, राइट। अब पहले सेंटेंस मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूं, आई नेवर वोर अ बियर्ड बट आई गेट यूज टू इट, मतलब अभी तक नहीं था, फ्यूचर में आदत पड़ जाएगी। बट लेट सपोज आप मुझसे एक हफ्ते बाद मिलते हो या दो हफ्ते बाद मिलते हो, तो आप कहते हो कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो मैं कहता हूं आई एम यूज टू इट, यानी कि अब मैं बताना चाहता हूं कि पहले जब हमने शुरू में बात की थी तो आदत नहीं थी, बट धीरे धीरे पड़ गई। अब मेरे को प्रॉपर आदत पड़ गई है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, बी यूज टू का, राइट। तो ये लेसन था हमारा बी यूज टू और गेट यूज टू के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।